अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनूना बिहि। नाज़रीन-ए-किराम, प्रोग्राम इस्लाम के साए में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है क़ुरान मजीद के हुकूक़। नाज़रीन-ए-किराम, इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ हिदायत देकर मबऊस फरमाता रहा। इसी की तरफ इशारा करते हुए सूरतुल अनआम में अल्लाह तबारक व तआला 18 अंबिया का जिक्र करते हुए फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा। कहा कि उन्हें लोगों को हमने किताब और शरीयत और नबुव्वत अता की थी। हजरात, इनमें सबसे आखिर में खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की शक्ल में आखिरी हिदायत नामा देकर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ना तो कोई रसूल आने वाला है और ना किसी और आसमानी सहीफे का नुज़ूल होने वाला है। आप आखिरी पैगंबर हैं और कुरान मजीद ये आखिरी दस्तूर हयात है। कुरान मजीद आखिरी दस्तूर हयात है, उसमें ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इसीलिए इस किताब को कहीं कुरान मजीद खुद कहता है तिबयान लिकुल्लि शै और कहीं तफसीर लिकुल्लि शै कहा गया, यानी हर चीज को वजाहत के साथ खोल खोल कर बयान करने वाली किताब। दुनिया तरक्की के बामे उरूज को पहुंच चुकी है। मौजूदा दौर के इंसान इस तरक्की पर बहुत नाज करता है, उसके बावजूद इस तरक्की याफ्ता दुनिया के पास ना कोई ऐसा कानून है और ना कोई ऐसी किताब है जो इंसान के तमाम मसाइल को हल कर सके। दुनिया खा कितनी ही तरक्की कर जाए, वो ना इंसानों के मसाइल हल कर सकती है और ना कुरान मजीद जैसी कोई किताब पेश कर सकती है, क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि सारे जहानों के रब का कलाम है। इसका चैलेंज है दुनिया के सारे इंसान, दुनिया के सारे जिन मिलकर भी इस तरह का कलाम पेश करना चाहें तो कुरान खुद उसका जवाब देता है, नहीं पेश कर सकते। कुल लइन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिथलि हादल कुरान ला यातून बिमिथलिह वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। सूरतुल इस्रा में अल्लाह ने फरमाया, कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाए या लाने की कोशिश करें तो अल्लाह ने कहा ला यातून बिमिथलिह, वो हरगिज नहीं ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना बन जाए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हम मुसलमान हैं, कुरान मजीद पर हमारा ईमान है, ये अल्लाह का कलाम है। बहैसियत मुसलमान हम पर कुरान मजीद के कुछ हकूक़ आयद होते हैं जिन्हें अदा करना हमसे हर मुसलमान पर फर्ज है। उन हकूक़ को अदा करने में दुनिया व आखिरत की कामयाबी है और उनको रूगर्दानी करने और बेतवज्जुह बरतने से दोनों जहानों की रुसवाई और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कुछ लोगों को उरूज देता है, कुछ लोगों को उरूज व इकबाल अता करता है और उससे रोगर्दानी करने की वजह से लोगों को जलील करता है, रुस्वा करता है। तो आइए हम जानते हैं कुरान मजीद के क्या हकूक हैं। मैं और आप मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान कुरान मजीद के क्या क्या हकूक़ है जिसको हमें अदा करना है, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का पहला हक, कुरान मजीद की कमा हक को तिलावत की जाए। कुरान मजीद पर ईमान लाने के बाद कुरान मजीद का पहला हक यह है उसकी तिलावत की जाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, उतल मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारे तरफ वही के जरिए से भेजी गई है। कुरान मजीद की तिलावत हर मुसलमान पर जरूरी है। जो लोग कुरान मजीद की तिलावत से गफलत बरतते हैं वो अजाब इलाही से दो चार होते हैं। मुनकिर नकीर कब्र में हर इंसान से 3 सवालात करते हैं, हर इंसान से 3 सवालात करते हैं। अगर वो सही जवाब आप देता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें उसका जवाब कैसे मालूम हुआ, जो 3 सवालों के जवाब तुमने दिए तुम्हें कैसे मालूम किए, 3 सवालों के जवाब कहाँ से मालूम किए। उस वक्त मोमिन कहेगा क़रअतु किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही व तसद्दक़्त, वो कहेगा मैं अल्लाह की किताब पर ईमान रखता था, उसकी तस्दीक करता था और उसकी तिलावत करता था। मन रब्बुका मा दीनुका मा हादर रजुलुल लज़ी बुइथ फीकुम, 3 सवालात होने वाले। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, उस आदमी के बारे में तेरा क्या ख्याल है जो तुम्हारी तरफ मबऊस किए गए। जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत करता था वो आसानी के साथ जवाब दे देगा, और जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत से गाफिल था, दुनिया के पीछे पड़ गया, कुरान मजीद नहीं पढ़ता था, वो मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। फरिश्ते उसे डांट कर कहेंगे ला दरैत वला तलैत, तूने जानने की ना कोशिश की और ना ही कुरान मजीद की तिलावत की। उसके बाद फरिश्ते मय्यित को लोहे के गुर्जों से मारना शुरू करेंगे, क़ियामत तक ये सजा भुगतना पड़ेगा। सही बुखारी में मौजूद है बात। तो इससे क्या बात मालूम, कुरान मजीद का पहला हक ये है कि हम उस पर ईमान लाने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद की तिलावत कैसे की जाए, उस सवाल का जवाब खुद कुरान मजीद ने दिया। इरशाद फरमाया गया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती उलाइका युमिनून बिही, जिनको हमने किताब दी है उसकी ऐसी तिलावत करते हैं जिसे तिलावत होनी चाहिए, वही लोग उस पर ईमान रखते हैं। हक़ तिलावत का मतलब यह है कि पूरी एक सुई दिल जमाई के साथ तिलावत की जाए, ये समझ कर पढ़ा जाए कि ये मेरे नाम, मेरे रब का पैगाम है, मेरे ही लिए ये किताब नाजिल हुई है, मैं उसका अव्वलीन मुखातब हूँ, इसमें जिक्र की गई सारी बशारतें मेरे लिए हैं और इसमें बयान करदा सारी वाइदें उस पर ही होती हैं। इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से नकल किया है, हुमुल लज़ीना इज़ा मर्रू बिआयति रहमतिन सअलूहा मिन अल्लाह व इज़ा मर्रू बिआयति अज़ाबिन इस्तआज़ू मिनहा, जब रहमत की आयत से वो गुजरते हैं तो अल्लाह से रहमत का सवाल करते हैं, और जब आज़ाब की आयतों से गुजरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करते हैं। तो इस तरीके से कुरान मजीद को एक सुई दिल जमाई के साथ पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद के माना और मफाहिम को समझ के पढ़ना चाहिए। और कुरान मजीद में जहाँ जन्नत का जिक्र आता है तो अल्लाह से जन्नत तलब करना चाहिए, जहाँ जहन्नम का जिक्र आता है अल्लाह से जहन्नम से पना मांगना चाहिए। सहाबा इकराम की तिलावत का यही अंदाज था, और डूबकर कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु बड़े रकीकुल कल्ब थे। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान उनके आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहते। सही बुखारी की रिवायत है। इकरीमा बिन अबी जहल ईमान लाने के बाद अक्सर कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहते, कुरान मजीद को अपने चेहरे से लगा लेते और फरमाते, मेरे रब की किताब, मेरे रब का कलाम, और फिर खशियत इलाही से रोने लगते और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो इस तरीके से सहाबाए कराम कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु के गुलाम सालिम रदियल्लाहु अन्हु इस कदर प्यारे अंदाज में कुरान की तिलावत फरमाते, उनके पास से गुजरने वालों के कदम रुक जाते। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक खड़े होकर उनकी तिलावत सुनते रहे और इस कदर खुश हुए कि आपने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी उम्मत में ऐसी तिलावत करने वाले पैदा फरमाए हैं। सुभान अल्लाह। कौन बोल रहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ जंग से वापस हो रहे थे। रात के वक्त में रास्ते में एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव का इरादा किया। सहाबा इकराम से पूछा कि आज की रात कौन निगरानी करेगा हमारी, हम तो सो रहे हैं। अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु, अब्बाद बिन बिश्र रदियल्लाहु अन्हु, ये दोनों तैयार हो गए। कहा कि अल्लाह के नबी, हम जाकर मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। सब सो गए। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि बारी बारी जागेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ जागने की वजह से दोनों पर नींद का गलबा हो जाए। पहले जागने की बारी अब्बाद बिन बिश्र रदियल्लाहु अन्हु की मुकर्रर हुई। अब्बाद बिन बिश्र रदियल्लाहु अन्हु मौके को गनीमत जानकर नमाज में मसरूफ हो गए। सूरतुल काफ की तिलावत शुरू की और दुश्मनों ने देखा सब सो रहे हैं और एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, तो सोचा कि अगर उस पर उसको ही खत्म कर देंगे तो आसानी से सबका सफाया किया जा सकता है। ये सोचकर दुश्मन ने एक तीर चलाई। वो तीर सीधे आके अब्बाद बिन बिश्र रदियल्लाहु अन्हु के पैर में पैबस्त हो गई। वो तिलावत को जारी रखे। दूसरा तीर चलाया दुश्मन ने, वो तीर भी अब्बाद बिन बिश्र रदियल्लाहु अन्हु के पैर में पैबस्त हो गया। अब्बाद बिन बिश्र रदियल्लाहु अन्हु ने उसको भी अलग किया और तिलावत जारी रखी। एक के बाद दीगरे कई तीर आए जिसमें जिस्म में पैबस्त होते चले गए, मगर हर मर्तबा तीर को निकालते और तिलावत जारी रखते। आखिर जब ज्यादा खून निकलने की वजह से कमजोरी महसूस होने लगी तो उन्होंने नमाज जल्दी से खत्म की और अपने साथी अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को जगाया। अम्मार उनकी हालत देखकर समझ गए कि दुश्मन ने उन पर तीर बरसाए हैं। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, जब तुम्हें पहला तीर लगा तो उसी वक्त तुमने मुझे बेदार क्यों नहीं किया? अब्बाद ने जवाब दिया, कुंतु फी सूरतिन अक़राउहा फलन उहिब्बु अन अक़तअहा। कहा कि मैं ऐसी सूरत तिलावत कर रहा था जिसकी तिलावत के दौरान मुझे ऐसी लज्जत मिल रही थी, जिसकी तिलावत में मुझे बड़ा मजा मिल रहा था, मैं नहीं चाहा कि उसको खत्म किए बगैर नमाज मुकम्मल कर लूं। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहरा देने की जिम्मेदारी ना देते तो मैं तिलावत को जारी रखता और तिलावत करते करते या तो मेरी जान चली जाती या फिर ये सूरत खत्म हो जाती, फिर ये सूरत खत्म हो जाती। इस तरीके से मैं तिलावत करता। तो इस तरीके से सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। सही बुखारी की रिवायत में एक सहाबी रात के वक्त तहज्जुद पढ़ रहे थे, पासी में घोड़ा बंधा हुआ था। जब वो तिलावत शुरू करते तो आसमान से एक बादल उनसे करीब होने लगा। पास बंधा हुआ घोड़ा भिदकने लगता तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वाक़े का जिक्र किया तो आपने फरमाया तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, कहा कि ऐ उसैद, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत कुरान मजीद की वजह से नाजिल हुए थे। अगर तुम कुरान मजीद पढ़ते हुए सुबह करते तो मदीने के लोग अपने आंखों से उन फरिश्तों को देख लेते। तो इन तमाम वाक़िया से क्या बात मालूम हुई? कुरान मजीद का एक हक ये है कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें। कहाँ हैं वो लोग? 20 साल हुए हैं, 40 साल हुए हैं, 60 साल हुए हैं, कुरान मजीद पढ़ने तक नहीं आता। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। दुनिया की हजारों उलूम हमें मालूम है, बड़ी बड़ी किताबें हम पढ़ लेते हैं, कुरान मजीद का एक लाइन ढंग से पढ़ने नहीं आता। तो सोचो तो सही, कुरान मजीद के साथ हमारा क्या सुलूक है? प्यारे नबी ने क्या बात फरमाई? जो आदमी कुरान मजीद को पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है, फलहु अजरान, उसको 2 अजर मिलने वाले हैं। एक कोशिश करने का, एक पढ़ने का। तो मेरे भाई, कुरान मजीद को कमा हक उसकी तिलावत करने की ज़रूरत है। कुरान मजीद का एक दूसरा हक यह है कि कुरान मजीद में गौर व फिक्र किया जाए। कुरान मजीद उलूम व माआरिफ का बेशबहा खजीना है। ये वो किताब है जो कायनात के असरार और रमूज से पर्दा उठाती है, इंसान के आगाज व अंजाम से बाखबर करती है और इंसान में जिस कदर इसके अंदर गौता लगाएगा उसी कदर उलूम व माआरिफ की मोतियां और जवाहिर पाएगा। इसीलिए इसमें गौर करने और तदब्बुर करने के बार बार हुक्म दिया गया, बल्कि उसके नुज़ूल का एक मकसद ही बताया गया, इसमें गौर व फिक्र किया जाए। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलूल अल्बाब। ऐ पैगंबर, ये एक मुबारक किताब है जो हमने आप पर नाजिल की है ताकि लोग उसकी आयतों में गौर व फिक्र करें, ताकि अकल व खिरत वाले नसीहत हासिल करें। एक जगह फरमाया गया अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालिहा। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालिहा। क्या वो लोग कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं? कुरान मजीद को यह शर्फ हासिल है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, साथ ही ये दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम भी किताब भी है, क्योंकि ये वो किताब है जो सबसे ज्यादा समझे बगैर पढ़ी जाने वाली किताब है। बहुत सारे लोग इसको समझे बगैर पढ़ते हैं। इस किताब के साथ मुसलमानों का जो सुलूक और रवैया है उसकी तस्वीर कशी माहिरुल कादरी ने अपने इन अशार में की है, जो कि मशहूर अशार हैं। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताबीज बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। लोगों के जहनों में बात बिठा दी गई कि कुरान मजीद को समझना, उसमें गौर व फिक्र करना बड़ा मुश्किल काम है। गलत बात है। इसलिए बड़े इल्म की ज़रूरत है, जबकि अल्लाह ताला ने बार बार इस बात का ऐलान किया है। हमने कुरान मजीद को जिक्र और नसीहत के लिए आसान बनाया है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान मजीद को यकीनन नसीहत के लिए आसान बनाया है, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? सहाबा-ए-किराम ने कुरान मजीद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी और बड़ी बड़ी उम्र में कुरान मजीद को पढ़ना हासिल किया। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, कबूल इस्लाम के वक्त उनकी उम्र 30 पर 8 बरस के थे। हज़रत उमर, उस्मान और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू ज़र ग़िफ़ार रज़ियल्लाहु अन्हु, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तुफ़ैल बिन अमर दोसी रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख़र दोसी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सैकड़ों सहाबा किराम के नाम हमें सीरत में मिलते, जिनकी उम्र कबूल इस्लाम के वक्त 30 बरस से ज़ायद थी। इस उम्र में वो कुरान मजीद पढ़े, समझे और उसमें महारत हासिल की। बुनियादी बात यह है कि वो कुरान मजीद को फिक्र, तदब्बुर की किताब समझते थे। कुरान मजीद की किसी आयत का मफ़हूम समझने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश आती तो बेचैन हो जाते, जब तक कि इसके मफ़हूम को समझ में नहीं आता। उन्हें इत्मीनान उन्हें नसीब नहीं होता उस वक्त तक, जब तक कि उस आयत का मफ़हूम क्या है उन्हें समझ में नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते, इस आयत का मतलब पूछने की कोशिश करते। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, सूरह अनआम की आयत नाज़िल हुई, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिरक के साथ, जुल्म के साथ गलत मलत नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है और वही राह रास्त पर हैं। सहाबाए किराम को इसके मफ़हूम समझने में दुश्वारी हुई। या जुल्म से मुराद क्या है? जुल्म तो हर इंसान से होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है। आपने इस आयत का मफ़हूम वाज़े करते हुए फरमाया, इस आयत में जिस जुल्म का जिक्र किया गया है उससे मुराद नफ्स पर ज्यादती नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इससे मुराद शिरक है। यानी जो शख्स ईमान लाने के बाद ईमान को शिरक से आलूदा ना करे, उसके लिए अमन है, वही हिदायत याफ्ता लोग हैं। इसी तरीके से नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद का एक हक ये है कुरान मजीद के पैगाम पर अमल किया जाए। कुरान मजीद एक जिंदा और जाविद किताब है, इंसानों की हिदायत और रहनुमाई उसका अहम और बुनियादी मौजू है। ये किताब इंसानी ज़िंदगी के तमाम मसाइल से बहस करती और उसका तशफ़ी बख्श हल पेश करती है। दुनिया में पेश आने वाले खतरात और आखिरत में लायक होने वाली ज़िल्लत और रुसवाई से आगाह करती है और एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी का वाज़े लाए अमल पेश करती है। सूरह इसरा में फरमाया गया, इन हादल कुरान हकीकत यह है कि कुरान वो राह दिखलाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो शख्स दुनिया व आखिरत की फलाह व बहबूदी चाहता हो, उसके लिए ज़रूरी है इस किताब इलाही की पैरवी करें। सूरह आराफ में इरशाद फरमाया गया, इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, मुसलमानों तुम्हारे रब की जानिब से जो कुछ उतारा गया उसकी पैरवी करो। हिदायत याफ्ता और अक्लमंद हैं वो लोग जो इस किताब इलाही को हिर्ज़ जान बनाकर उसकी तालीमात पर अमल करते हैं। फबश्शिर इबादल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुमुल अल्बाब। ऐ पैगंबर, मेरे उन बंदों को खुशखबरी दीजिए जो कुरान मजीद को गौर से सुनते हैं, फिर उसकी बेहतरीन बातों की पैरवी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है, यही दानिशमंद है। जो किताबे इलाही को तो पढ़ते हैं मगर उसकी तालीमात पर अमल नहीं करते, उन्हें गधे से तशबीह दी गई है। सूरह जुमा में फरमाया गया, मतलुल लज़ीना हम्मिलुत तौरा थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु असफारा। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था मगर उन्होंने उसके बार को ना उठाया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हो। यानी अल्लाह ने किताब नाजिल किया, उस पर अमल नहीं किया, तो उसकी मिसाल गधे की तरह है। किताबें तो उठा रहा है और उसे पता नहीं क्या क्या करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के खौफनाक मनाजिर को देखा और आपको दिखाया गया। आपने फरमाया, मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों पर से हुआ जिनके होंठ आग की खैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने जिब्राइल से पूछा, है कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुतबा उम्मतुक अल्लज़ीन यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यक़रऊन किताब अल्लाह व ला यअमलून बिह। ऐ पैगंबर, आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत के खतीब हैं, जो लोगों को नसीहत करते थे, खुद बदअमली का शिकार थे, अल्लाह की किताब पढ़ते थे मगर उस पर अमल नहीं करते थे। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसून अनफुसकुम, लोगों को भलाई का हुक्म देना और लोगों को बुराई से नहीं रोकना। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसून अनफुसकुम, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो खुद अपने आप को भूल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बुरी बात है। क़ियामत के दिन एक आदमी अपने अंतड़ियों को उठा के जहन्नम में घूमता होगा। लोग पूछेंगे, तुम तो वही इंसान हो जो हमें अच्छी तालीमात दिया करते थे। वो कहेगा, हाँ मैं तो तुमको तालीमात देता था, मैं खुद उस पर अमल नहीं करता था। अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, आमीन। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद को सहाबा इकराम अमल की नियत से पढ़ा करते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, कान अर्रजुलु मिन्ना यतअल्लमु अशरा आयातिन ला युजाविजुहुन्ना हत्ता यारिफ मानिहिन्ना वल अमल फीहिन। हम में से हर कोई 10 आयतें सीखता, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कि उसके मानी को अच्छी तरह समझ ना लेता और उस पर अपनी अमली ज़िंदगी में उस आयत को नाफिज नहीं करता। तब तक वो उस पर बाकी रहता, यानी कुरान मजीद की उन आयतों को पढ़ता ही रहता। कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हक़ यह है, तालीमात कुरानी की दावत दिया है। तो नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद का एक अजीम हक़ यह है कि कुरान मजीद की तालीमात को हम लोगों तक फैलाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को नाजिल किया है, इस पर अमल करें और इसकी बातों को खुद समझें और इसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ तुम्हें पैगाम मिला है लोगों तक पहुंचाइए। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमात तो हम तक पहुंचाया है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये चंद हुकूक थे कुरान मजीद के, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।